कोडरमा जिले के सतगावा पुलिस ने पिकअप वाहन में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ने में सफलता पाई है। कोडरमा जिला के सतगावा पुलिस ने पिकअप वाहन में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस कप्तान डॉक्टर एहतिशाम बकरीब के निर्देश पर थाना मोड़ के समीप थाना प्रभारी श्यामलाल यादव के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि इस वाहन चेकिंग अभियान के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि किसी पिकअप वाहन जिसमें मछली लोड कर ले जाया जाता है, जो बासोडी से गोविंदपुर की ओर जा रही है, उक्त वाहन में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब तस्करी किया जा रहा है। वही थाना मोड़ के पास जांच हेतु वाहन को रोका गया, जिसके बाद वाहन जांच में पिकअप वाहन को भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा गया। हालांकि पुलिस जांच को देख चालक सहित वाहन में बैठा एक अन्य व्यक्ति फरार हो गया। पिकअप वाहन समेत भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। कोडरमा से रितेश लोहानी की रिपोर्ट। वाहन चेकिंग लगाया गया था, वाहन चेकिंग लगाया था रोड पे गेट के सामने जी, और वहाँ पर हमको एक वहाँ पदाधिकारी थे किशोर कुमार घोष और सशस्त्र बल लगा हुआ था। हमको सूचना मिला कि एक पिकअप वैन है उजला, जिसमें कि अंग्रेजी शराब है ढका हुआ है, वो आ रही है जो नवादा बिहार की ओर जाएगी। उसके आधार पे हम किशोर घोष को वहाँ प्राथमिक पदाधिकारी के लोग वाहन चेकिंग में लगे हुए थे, उनको गुप्त सूचना के आधार पर सूचित किए और आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया। तो उस सूचना के पे जो है वो सशस्त्र बल के साथ जब गाड़ी आई इंतजार करने लगे, गाड़ी आने के बाद वो रोके तो कुछ दूर पहले ही गाड़ी रोक के वो चालक भागने का प्रयास करने लगे। उसे पकड़ने का प्रयास किया गया सशस्त्र बल के द्वारा, लेकिन वो भागने में सफल रह गए। तो उसके बाद संदेह के आधार पर जब जांच किया गया तो उसमें देखा गया कि वो मछली का जो कार्टून है ऊपर से था, उसके नीचे उस शराब का 15 पेटी, उसमें पंद्रह कार्टून रखा हुआ था। एक में 14 कार्टून जो है उसमें 25 पीस है इंपीरियल ब्लू, 24 और उसमें हाँ 375 ml का है, और एक में जो है 20 पीस है वो भी 375 ml का है उसमें।